वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। खुसूसन एक भाई मेरे को फ़ोन करे थे अतापुर कने 152 प्लेयर हॉस्पिटल कने। एक हॉस्पिटल इधर अपोजिट बाजू देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक साहेब है बीमार, उनकी इतनी सीरियस है तबीयत। इनके भाई भी यहाँ थरे हुए है। 5-6 महीने का खाली ड्यू बाकी था फाइनेंस का। तो मनु सिंह के भाई को बोल रहे भी कि भाई मैं फाइनेंस बनता हूँ, बोले तो ज़बरदस्ती 3 जने खींच के आके भाई की गाड़ी लेके गए। पूरा किस्सा देखो। आज इनके भाई को देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए मेरे भाई। अल्लाह रहम करे, इतना परेशान कर दिया ये फाइनेंस आना। सिर्फ ये फाइनेंस आना क्या करे, 1500 रुपये के आसे जाके लोगों के गाड़ियाँ पकड़ा दे रहे। और ऐसे फाइनेंस आना भी है बगैर काट के जाके लोगों को रोडों पे निकल के करके, या सरदार जी रहो, मुसलमान रहो, सिख का रहो, हिंदू रहो, पूरा ऐसा धंधा बन चुका है। मैं आनंद कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ, ये फाइनेंस आरों के यहाँ पर अब एक्शन लिया जाए। अगर इन लोगों को नहीं बने तो यहाँ हम जहर खा के मर जाना या खुदकुशी करना, वही काम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर ऐसा वाक़या कहीं भी हुआ आप लगा फ़ौरन 100 पे डायल करिए। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर, अब भाई की ज़बानी सुनिए। अब भी ऊपर हॉस्पिटल को पूरा देख के आया, वो वीडियो भी बताऊँगा। बोलो भैया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको बोल रहा हूँ भी भाई, हॉस्पिटल में भाई है हमारे, बोला तो अभी अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, बोल के जो है सो मेरे को बाजुक ले लिए गए, ऑफिस है बाजुक, वहाँ पर आप जो है ना ये बोल रहे हैं ना, वही बोल दो आप जो है सो लेटर पे जो है सो लिख के खाली सिग्नेचर करके दे दो। बोले यहाँ पे जो है सो गाड़ी वाड़ी की बात नहीं करे उन्होंने मेरे से, गली में ले लेके जाने के बाद 3 जने आ गए थे, 3 जने जो है सो ले लिए गाड़ी, ले लेके डिक्की में का सामान निकाल दिए गाड़ी ले लेके चले गए मेरी। मैं बोल रहा हूँ भी हॉस्पिटल में भई है वो हमारे, मैं बाद में क्लियर कर लेता हूँ, कंपनी से फ़ोन भी आया था मेरे को, मैं क्लियर कर लेता हूँ। बोला नहीं, बोल गया नहीं भाई, मैं अगर नहीं डुबाना रहता तो मैं नहीं बनता हूँ था, 18 महीने 19 महीने में बन दिया। अब ये थोड़ा मैं हॉस्पिटल में बिजी था उस वजह से नहीं बन सका, आके जो है सो बोल रहा हूँ तो भी ले लेके चले गया उन्हें। तो और आपके भाई की वीडियो बताइए भाई, जरा हॉस्पिटल में वो फोटो बताइए जो खींचे वो शख्स कौन है, वो बताइए बताइए। ये फोटो है मन्नू सिंह के भाई है कहते हैं। इनसे फ़ोन पे बात भी हुई मेरे से मन्नू सिंह साहब से, अब उन्होंने रुआब के बातें करा रहे, अब उनसे बात करना पड़ेगा फिर से। मैं आनंद कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वो बेचारा इतना बेड पे लेटा हुआ है, बच्चे वाला है, अब इनको बहुत पैसों की ज़रूरत है, बेचारों को गाड़ी नहीं है, बेचारे रो के मेरे को फ़ोन करे, मेरे को अच्छा नहीं दिखा मैं, कल आने का था मेरे को न्यासा का काम में था मैं, मेरा दौरा चारा झंडे वगैरह का आप लोगों को सबको मालूम है, मगर बेचारे भाई देखो नाक में पूरी लगी हुई है, अब इनको सख्त से सख्त पैसों की ज़रूरत है। आप देखो वीडियो ICU में है नो, आप देखिए भाई, 4 बच्चे हैं उनको, हाँ 4 बच्चे हैं भाई छोटा, आप लोग दुआ करिए मेरे भाई। हुआ क्या उनको भाई? इनको जो है सो BP हाई हो के ब्रेन में स्ट्रोक हुआ था भाई, ब्लीडिंग हुई थी, सर्जरी भाई बोला था, सुनेज नहीं भाई ना, ले लेके चले गए गाड़ी मेरी। हमारे रहमत मिर्जा बेग साहब यहाँ के इंचार्ज है, देखिए बेचारों की दुआ लगेंगी, ये देखिए माजूर है भाई, 4 बच्चों के बाबा है कहते, इनको देखे तो मेरे को रोना आ गया। हमारे रहमत मिर्जा बेग साहब, आपको मैं कॉल भी करूँगा, भाई का नंबर भी मैं बोलूँगा, नंबर बोलो आपका भाई, 9398524066। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर।